डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक ऐसी यूनिक मशीन जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करी है, ये कारपेंट्री ड्रिल मशीन है। आप हैंड ड्रिल को आप हाथ से मारते चलाते हो, लेकिन मैंने इसको एक मशीन का शेप दिया है जिससे का बिल्कुल राइट एंगल में आप इसको किसी भी वुड में आप ड्रिल कर सकते हो। ऐसे चूल वगैरह निकालना, ऐसे बहुत ही आसान ऑपरेशन हो जाएंगे। इसमें बहुत ही आसान है बनाना। आप चार वुड के ढाई ढाई इंची के ये चार पीस लीजिए और इसको बिल्कुल एंगल के ऊपर, ऐसे एंगल ऊपर काटना, जितनी इसकी थिकनेस है उतना ही यहाँ पे आपने आधे इंची तक इसको काटना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये इसकी कितनी थिकनेस है। ये 19 mm है, 19 mm बोलते हैं, तो आपने 19 mm का यहाँ पे ग्रूव देना है आधे इंची गहरा। तो उसके बाद में ये चार पीस आपने 8 बोल्टों के साथ में इसको फिक्स कर देने हैं। और ये आपकी ये प्लेट या ये जो प्लाई है ये मूविंग रहनी चाहिए। और ये देखिए, ये इसको ऊपर नीचे करने का, ये मैंने एक लीवर लगाया है, ये मैंने एक पिवट लगा दिया यहाँ पर बोल्ट के साथ में, और ये मैंने पीछे एक ग्रूव बना दिया। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से अप डाउन आप कम से कम भी इसमें 1.5 इंची तक या 2 इंची भी कितना भी बना सकते हैं आप इसको। जितना आप इसको ये स्लॉट बनाएंगे उतना ही ये अप डाउन करेगा। अब मैं इसका ऑपरेशन दिखाता हूँ, चला कर दिखाता हूँ मैं। ये मैंने प्लग लगा दिया, ऑन कर दिया, ये इसमें 3 ग्रूव हो गए। अब आपने इसमें जो चूल निकालने के लिए, यहाँ एक टेबल का नीचे जो फुट रेस्ट बनाने के लिए, स्टोरेज बनाने के लिए, अभी आप क्या एक चोरसी लीजिए और बहुत ही आसान हो गया आपका काम। ये देखिए, आपको बार बार बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपने चोरसी यहाँ पर लगाई और हैमर से इसको कट कर दीजिए। ये कट हो गया और ये मैंने दूसरी साइड से इसकी हैमरिंग, ये बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत ही, जो आपका एक दिन का काम है वो आप इसको 1 या 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही ऐसी डिवाइस है, आप भी बनाइए इसको, इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।